मुझे इस एंगल में घुसना ही नहीं है रिलेशनशिप्स में, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर इट. और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाता हूँ. तो अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते हैं तो प्लीज़ किसी की लाइफ मत ख़राब कीजिए. अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ कि इनके साथ हूँ क्या, वो उनके अजम्पशंस, आई डोंट नो, वो ही जाने. और रही बात रिश्ते की, वो रिलेशनशिप के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वर्ड बिल्कुल सूट नहीं करता. एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है, सब पे है. सलमान से क्या सब पे है, सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है. अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का. सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के. पलक के साथ उनका जो भी लाइकिंग चल रहा था, अभी वो बाहर आ गए, तो आपको क्या लगता है आपके नजरिए से कि उनका ये रिश्ता आगे जा सकता है, दोस्ती से कुछ आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जाए, वाई नॉट. आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, ही इज़ मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ. कल को मैं भी किसी और के साथ सेटल होंगी, वो भी होंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो अगर उन्हें कहीं किसी इंसान में कनेक्शन दिख रहा है तो क्यों नहीं. आई मीन आई विश द बेस्ट फॉर हिम, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वट एवर लाइफ ही इज़ गोइंग फॉरवर्ड विथ. एंड या मैन, इट्स ह्यूमन, टू पीपल पार्ट वेज. तो सब अपने अपने लाइफ में सेटल हों, खुश हों. बाकी आई डोंट नो, उन्होंने खुद कहा था जिया को कि मुझे इस एंगल में घुसना ही नहीं है रिलेशनशिप्स में, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर इट. और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाता हूँ. तो अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते हैं तो प्लीज़ किसी की लाइफ मत खराब कीजिए. बट फिर भी आई विश द बेस्ट फॉर हिम इफ ही वांट्स टू मूव ऑन आल्सो. जिया की बात करते हैं तो बिग बॉस में हमने देखा है, जब आपके एंटर होने से पहले अविनाश ने जिया को कुछ कहा था कि आप जिया को पसंद नहीं, मतलब पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं जिया का नेचर कुछ अलग है, डिफरेंट है. उस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है अविनाश जिया जिया को आपके खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड्स पुट ऑन कर रहे थे कि जहाँ गेम में आपको प्रॉब्लम हो जाए? सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम इनिशियली तो साथ में ही थी. मुझे जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती वापस हो गई. यू नो, अगर उनने ट्राई भी किया उसके कान भरने के लिए, आई थिंक वो लड़की मेरे साथ थी, भले यू नो आगे से जाके पहलू मैंने की, बात हमारी हुई, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने डेफिनेटली मेरे साथ यू नो गेम में आगे बढ़ने का सोचा. इनफैक्ट उसने कुछ एपिसोड्स में ये भी कहा था कि आज पलक अगर इस घर में होती तो मेरा एक बैकबोन, मेरी स्ट्रेंथ होती, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई. एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि यार वो टॉप 5 तक अगर जाती है जिया, आई थिंक नथिंग लाइक इट. तो अगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि बट दोनों की गेम डेफिनेटली साथ में हो रही थी. मुझे लग रहा था कि इनिशियल डेज पे 2-3 दिन वो लोग ट्राई तो कर रहे थे, क्योंकि उनको जिया ने मुझे ये कन्फ्रंट भी किया था. उसने मुझे ये कहा था कि यू नो जब तू गेम में आई थी तो मुझे लगा था कि तू तो बिल्कुल बैंटर मोड में आएगी, तू तो चिल्लाएगी चीखेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरी दोस्त आ गई है एक घर में, कोई मेरा बैकबोन है. एंड डेफिनेटली अगर आज मैं गेम में होती तो मैं उसके लिए खड़ी होती एज अ स्ट्रेंथ फॉर श्योर. रिसेंटली अभी अविनाश और जैक का एविक्शन हुआ है, बहुत सारी बातें निकली है बाहर, आपके बारे में भी बात हुई. अच्छा, यस, जैसे अविनाश से कुछ पूछा गया था कि आपका ब्रेकअप हुआ था जब उनके साथ, तो आपके डैड को हार्ट अटैक आया था समथिंग, तो वो कह रहे थे कि 21 या तो वो 21 महीने हो गए जब ब्रेकअप के, तो अभी ये सब बातें क्यों आ रही है बाहर? क्यों आप बिग बॉस का वेट कर रही थी बात लाने के लिए, या बिग बॉस में अंदर गए थे तो उनके साथ आप अच्छे से थे, उन्होंने आपको पॉइंट्स भी दिया था, तब आपके नेचर में कुछ ऐसे अलग लगा नहीं उन्हें, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे ऐसा लगता है इज नेवर टू लेट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, या अपने आप कहीं अपने लिए खड़ा रहना, अपने लिए स्टैंड लेना. इट इज़ नेवर टू लेट. ये कोई थम रूल नहीं होता कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोला. इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी. जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन, मुझे मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी, मेंटली वीक थी. एंड सच कहूँगी, क्योंकि मैं तब उन्हें, तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी. अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई, मैंने पहले चीज़ें आगे निकाली ही नहीं. तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविज़न पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला, वो तो मुझे वापस आके ही पता चला ना. तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की
और मैं बाहर आके अगर मैंने एपिसोड्स देखे और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया तो उसमें गलत क्या है. आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग. एंड मैंने एक इंटरव्यू में काफ़ी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, यू नो. सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ, इट्स एवरी थिंग इज़ आउट देयर, और मैंने सच ही बोला है. मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा. तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. प्लस यार मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड यू नो आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस. तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है. जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है. बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब ये है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट. मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द यू नो एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा. और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर. शायद उस चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे बट हमेशा मैंने यही कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है, तो क्यों मैं सच क्यों नहीं बोलूं. ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जब इतने टाइम हो गए ब्रेकअप के बाद, फिर आप जब जो फैमिली वाला मैटर हुआ है उस पे जो आपने कहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी उन्हें पता चल सकता था कि ऐसा हुआ है. लेकिन अब क्यों आप शायद आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पाए, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज मतलब मूव ऑन हो जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए. और ये भी कहा है उन्होंने कि आपका कोई है, उन्हें भी पता है, बट उनके साथ आप अच्छे से लाइफ को आगे देखिए, मतलब फ्यूचर अपना आगे का देखिए. मुझे बहुत हंसी आ रही है ये सब सुन के कि उस इंसान को मेरी लाइफ के बारे में इतने डिटेल्स पता है. तो क्लियरली ये इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं शायद. क्योंकि चार पाँच महीने पहले भी जब हमारा इनकाउंटर हुआ था, वो आए थे मेरे पास बात करने एंड चीज़ें मेंड करने. व्हेन क्लियरली आई सेड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ. मूव ऑन करना इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ. आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ. मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ. मैं डेफिनेटली अपने काम को डेट कर रही हूँ, अपने करियर को डेट कर रही हूँ. एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं अपने रिश्तों को लेकर हमेशा आई बीन आउटस्पोकन, यू नो, वेदर इट्स इन द मीडिया और व्हाटएवर. मेरे पास रिलेशनशिप भी उनके साथ ही, इट्स ऑलवेज बीन आउट. तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता है टू नॉट टू ब्रिंग माई रिलेशन और पर्सनल लाइफ आउट. तो डेफिनेटली मैं बहुत ही हैप्पीली सिंगल हूँ. हाँ, फॉर श्योर मैं फ्यूचर में सेटल होना चाहती हूँ बिकॉज आई एम समबडी हु डिजर्व्स लव, हु गिव्स लव टू पीपल. सो डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू सेटल डाउन इन लाइफ. बट अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ, किनके साथ हूँ, क्या वो उनके अजम्पशंस, आई डोंट नो, वो ही जाने. और रही बात रिश्ते की, वो रिलेशनशिप के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वर्ड बिल्कुल सूट नहीं करता. सलमान सर और ने एल्विश को चिल्लाया था, मतलब समझाया था. उन्होंने कुछ ऐसे बेबी का को लेके कुछ अलग शब्द यूज किए थे जहाँ टेलीविजन मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जहाँ सलमान सर जब होस्ट कर रहे तो वो चीज को वो बर्दाश्त नहीं करते. तो उनके वजह से, उस चीज के वजह से एल्विश के जो फैंस है, सलमान सर के फैंस काफ़ी हद तक कम हो गए थे. उस पर क्या कहना है आपका? इस पर क्या ही कहूँ मैं. आई थिंक उसकी, अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का. सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के. तो आई थिंक अभी वो, मुझे यही चीज़ मुझे पता नहीं है कि सलमान सर के फॉलो, मुझे लगता है सलमान सर इज़ अ होस्ट ऑफ द शो. हमें उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए बिकॉज इवेंचुअली तो वो सब क्रिएटिव कॉल ही होता है जो वो बोलते हैं. उनकी कोई पर्सनल खुन्नस कोई कंटेस्टेंट से होती नहीं है. एंड वो जब वीकेंड के बारे में किसी को समझाते भी हैं तो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड फॉर योर गेम. हम तो बेताबी से वेट करते थे वीकेंड का वार कब आएगा, कब आएगा, क्योंकि हमें ना वीकेंड के बारे में एक डायरेक्शन मिलता है गेम में कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, क्या हम चेंज करें. सो मुझे लगता है ये पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए बिकॉज वट एवर ही डज इज़ डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल. प्लस वो जो भी बोलते हैं कंटेस्टेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं. बट लाइक आई सेड, एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है, सब पे है. सलमान से क्या सब पे है, सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है. किसको देखते हो, मतलब फिनाले की नजदीक आ रहा है जी,
मेरा तो यार मैं स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ, वो लंबी रेस का घोड़ा है फ्रॉम डे वन. मुझे पता है एल्विश भी स्ट्रांग है, जिया डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि वो जीते, बट इफ आई सी इट ऑन अ वेरी फेयर गेम मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए. आई थिंक उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं टू बी अ विनर. टॉप थ्री में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूँगी. बट कहीं ना कहीं जिया को ये भी कहा गया है कि वो अभिषेक का सपोर्ट लेके गेम में आगे बढ़ती है, उनका कोई पर्सनल गेम नहीं है. जब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब नॉमिनेशंस हो रहे हैं, एविक्शन हो रहे हैं, तो वो अभिषेक के साथ क्लोज आके फिर वो जो हैशटैग होता है वो अभिषा जो यूज हो रहा है ये भी कहा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सही आपके नजरिए से क्या लगता है कि जिया सचमुच में वैसे प्ले कर रही है या इट्स जस्ट अ गेम? मुझे ऐसा लग रहा था कि अकॉर्डिंग टू द गेम आपको अपने दुश्मन और दोस्त, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन आपके दोस्त है कौन दुश्मन. आई थिंक वो काफ़ी न्यूट्रल खेल रही है इन अ वे. अभिषेक के साथ मुझे ऐसा लगता है अभी अविनाश भी निकल गए, फलक भी निकल गए, ऑल हर फ्रेंड्स आर आउट. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं वो लॉट में से वो शायद अभिषेक को ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि पूजा मैम के साथ भी उसका बैंटर हो गया, मनीषा के साथ ऑलरेडी उसकी टिफ चलती है, एंड एल्विश के साथ भी वो पानी वाला इंसिडेंट जो भी हुआ था. तो मुझे लगता है जितना लॉट अभी बचा है, बेबिका के साथ उसकी कभी बनती नहीं थी, तो आई थिंक अभिषेक माइट ओनली बी हर सपोर्ट सिस्टम इन द गेम राइट नाउ. शायद मैं भी होती तो मैं इस लॉट में अगर समझती तो मैं अभिषेक ही मतलब मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग होता. तो फ्रॉम द गेम्स पर्सपेक्टिव आई थिंक, और उस घर यार वो घर ही वैसा है, आपको चाहिए लोग, आप अकेले नहीं बैठ सकते हो उस घर में. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम वही है. बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे भी हुआ है कि इस बार यूट्यूबर्स आए और कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट है जैसे अर्चना गौतम ने कहा है कि यूट्यूबर्स को इतने फैन फॉलोइंग को लाओगे तो फिर एक्टर्स का क्या होगा, तो फर्क पड़ेगा टीआरपी के लिए अगर हम लाते हैं यूट्यूबर्स को, तो फिर उनके फैंस आके धमकी देते हैं कि इनको जिताओ नहीं तो सेट जला देंगे. तो उस पर आपको क्या, उस पर क्या कहना है यूट्यूबर्स, क्योंकि बिग बॉस इज ओवरऑल अलग अलग प्लेटफॉर्म लेते हैं, राइट, तो इस पे आपको कितनी सच मतलब क्या लगता है आपको कि ये सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है ये मंच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं. एक तो ऐसा सीजन था जिसमें कॉमनर्स भी थे. मुझे ऐसा लगता है एक बार हम इस शो में आ जाते हैं तो सब इक्वल ट्रीटमेंट ही हमको मिलता है. ऐसा नहीं, एटलीस्ट घर के अंदर ऐसा नहीं कि बिग बॉस किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो पूजा मैम हो या साइरस सर हो या एक मनीषा रानी हो. सो आई फील एवरी वन ट्रीटेड वेरी इक्वली इन दिस शो. डेफिनेटली जो आर्मी जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको वोट्स उसके आएंगे ही, दैट इज़ बट ऑब्वियस. बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता फॉलोअर्स का गेम है, बिकॉज मेरी एक बेबिका से भी बात हुई थी ऑन डे वन वेर शी वॉज वेरी फ्यूरियस कि यू नो तुम सबके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे तो सिर्फ इतने कम से हैं. बट लुक एट अस, आई विद अ 300K, आकांक्षा विद अ 1 million इज आउट, बट बेबिका विद अ 80K स्टिल इनसाइड. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार. मुझे नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स एक विनर, मनु पंजाबी वॉज अ विनर वन ऑफ द सीजन्स, और आई थिंक दिस वन मनवीर गुज्जर वॉज द विनर वन ऑफ द ईयर्स. आई थिंक ही केम एज अ कॉमनर, एंड मुझे ऐसा लगता है आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, उनका दिल जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो, टू एटलीस्ट विन द ट्रॉफी. वो आई थिंक प्रायोरिटी ज़्यादा है. अगर ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग द शो. एंड ऐसा नहीं है कि हम वो 300K या 400K वाले ही जनता देखती है, सलमान सर की ऑडियंस हमें देखती है, सबकी ऑडियंस, जो भी बिग बॉस की ऑडियंस है इतने सालों से वो शो देखती है. सो डेफिनेटली हम कितने लोगों का प्यार भी जीतते हैं यार.